हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, हम सवेरे सवेरे बात कर रहे थे, सुबह सवेरे की बात हो रही थी और बहुत ज्यादा जोरों शोर से हो रही थी कि आज का सवेरा कैसा है। डेफिनेटली बाहर का मौसम आने को है, रुत बदल रही है, लोगों के मूड बदल रहे हैं और साथ साथ सियासत और खेल में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जनाब, जहां पर मौसम चेंज हो रहा है वहीं पर PSL का मौसम भी है और वहीं पर सियासत का मौसम भी साथ साथ जारी और सारी है। तो सियासत के मौसम पर तो नजर डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम मूड की। तो वेस, जब हम मूड की बात करते हैं और जब हमारा मूड चेंज हो रहा होता है तो उसके पीछे बड़े सर्कमस्टांसेस होते हैं। डेफिनेटली हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे अपने घरों में क्या हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है हमारे मूड पे। लेकिन आजकल हो रहा है हमारे शहर में, हमारे मुल्क में PSL, और हमने देखा कि कल जोरों शोर से एक तकरीब हुई और ज़बरदस्त किस्म की ये तकरीब थी जिसमें तमाम स्टार्स ही वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर आबदा परवीन थी जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो शुरका को बिल्कुल हाज़रीन झूमने पर जो है वो मजबूर हो गए। इतना ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। अली ज़फ़र थे, सासा शहज़ाद रॉय थे, ज़बरदस्त ये तकरीब थी। तो वैसे आपने तो कल का मैच भी देखा होगा, डेफिनेटली भी कल का मैंने मैच भी देखा सबा। और जैसा कि आपने कहा PSL शुरू हो चुका है, तो इस PSL के शुरू होने की वजह से पूरे मुल्क का मूड ही चेंज हो चुका है, क्योंकि सियासत 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 इतनी ज्यादा हो चुकी थी कुछ पिछले महीनों के अंदर। अब PSL आया है, Season 3 है, तो लोगों का मूड चेंज हुआ है। लोग अब थोड़ा सा सुख का सांस भी ले रहे हैं कि यार सुकून तो मिला कहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की साइड भी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, थोड़े से हालात अब दूसरी साइड पर भी आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे क्यों निकाला के टैग से, अब हम जा रहे हैं कौन जीतने वाला है इस PSL में। तो बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। गुजारत उज़्मा छीन ली गई, मुस्लिम लीग की सदारत छीन ली गई। मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, इसको भी आपने छीना तो छीन लो, ढूंढो कोई आईन के अंदर कोई ऐसी शिक, ब्लैक लॉ डिक्शनरी की मदद हासिल की थी। पहले वजारत छीनी फिर सदारत छीन ली, हो सके तो मेरा नाम भी छीन लें। नवाज शरीफ फट पड़े, पार्टी सदारत से नाअहली का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। नाअहली के फैसले के असरात नजर आने लगे, नून लीग सेनेट इलेक्शन से बाहर, लीगी अरकान आजाद उम्मीदवार करार। इलेक्शन कमीशन ने राजा जफरुल हक की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तो जनाब, ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज, और क्योंकि PSL का मेला भी जारी है और साथ साथ अब हम जानेंगे मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे पेशावर की जानिब, जहां से हमें एक सीरियस खबर जो है वो सुनने को आई है। तो हमारे नुमाइंदे पेशावर में हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे जी अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आपको आवाज आ रही है आमिर जमील, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी आमिर जमील, क्या सूरत हाल है पेशावर शहर की? देखिए, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर अभी हमें मिली है कि पेशावर का जो रिंग रोड है वहाँ पर एक धमाका हुआ है, आयल डिपो है उसके करीब धमाका हुआ, दो अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला उसमें हमें मिल रही है। तहम ओवरऑल अगर हम देखें कि पेशावर की जो आज की जो इवेंट्स हैं उसमें सबसे अहम इवेंट्स ये है कि आज जो गोल्फ चैम्पियनशिप है उसका कौमी गोल्फ चैम्पियनशिप का इफ्तिताह किया जा रहा है 11 बजे, और दूसरा इस जो माहिर कानूनदान आसमा जो थी उनकी वफात पर जो है एक ताज़ियती रेफरेंस भी दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आज हम मौसम के हवाले से बात करें तो पेशावर का जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर है, बादल आए हुए हैं और महकमे मौसमियात का कहना यह कि आज रात से बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, जो कि आइंदा रोज तक जारी रहेगा और उसके बाद फिर एक बार फिर जो है मौसम खुश्क रहेगा। जी ठीक है, पेशावर से आमिर जमील अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सुबह सुबह हमें एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिल गई है कि पेशावर के रिंग रोड में एक धमाका हुआ है और अब तक की इत्तला के मुताबिक दो अफराद उसमें जख्मी हुए हैं। आमिर जमील से बात हो रही थी और अब चलते हैं लाहौर, जहाँ पर हुमा भट्ट हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में क्या होने जा रहा है और लाहौर का मौसम कैसा है। हुमा, गुड मॉर्निंग।
जी, लाहौर में आज सबसे पहले तो दिन का आगाज होगा पंजाब असेंबली के सेशन के साथ, क्योंकि दो रोज के वक्फे के बाद अब ये सेशन होने जा रहा है। तो आज यकीनन हमारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो जरूर यहाँ पर पहुँचेंगी, और राणा सनाउल्लाह यकीनन यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं, क्योंकि उनके उनके जो बेहतरीन जुमले हैं उनके बगैर शायद जो पंजाब असेंबली का सेशन है वो मुकम्मल नहीं हो पाता है। तो आज ये सब हम लोग देखेंगे पंजाब असेंबली के सेशन में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एहसन इकबाल, क्योंकि आजकल नून लीग जो है वो खबरों की जीनत बनी हुई है, नून लीग के जितने भी इजलास हो रहे हैं वो खबरों की जीनत है। तो आज एहसन इकबाल होंगे और वो भी अपना गुस्सा गिला जो है वो यकीनन निकालेंगे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जाकर, ऑडिटोरियम में वहाँ पर एक सेशन होने जा रहा है उसके ऊपर। इसके बाद हम देख रहे हैं अब्दुल गफूर हैदरी आज ठीक है जनाब, लाहौर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है चीज़ भी सामने आएंगी, एंड लेट्स सी कि आज तमाम अपोजिशन जमातें अगर वहाँ पर जमा होती हैं तो क्या बोलते हैं उनके रहनुमा। अब बढ़ेंगे हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब, जहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक, और उनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं। वसीम रजाक, गुड मॉर्निंग। आज आज सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां पर वफाकी वजीर दानियाल अजीज के खिलाफ अदलिया मुहालफ जो तकरीर की गई थी उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था, उसकी समाअत आज 11 बजे जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। आज 2 बजे एहतसाब अदालत में केस की समाअत होगी साबिक वजीरम नवाज शरीफ पर के और मरियम सफदर उनके जो फैमिली के हवाले से जो रेफरेंसेज दायर किए गए हैं उन पर आज समाअत होगी। गुज़श्ता रोज जो गवाह से बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था उस पर जिरह की जा रही थी ख्वाजा हारिस की जानिब से, वही जिरा का आगाज आज दोबारा होगा और दिन 2 बजे इस केस की समाअत होगी। हफ्तावार ब्रीफिंग जो है दफ्तर हारजा की वो आज दिन में होगी। इसके साथ साथ वफाकी वजीर जो है मरियम औरंगजेब वो एक सेमिनार में शिरकत करेंगी। आयशा गुलालई आज अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रही हैं। दानियाल अजीज का मैं आपको बताऊं कि दानियाल अजीज केस की समाअत का आगाज दिन 11 बजे होगा, लेकिन कल दानियाल अजीज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी दरख्वास्त के जरिए यह इस्तदा की गई है कि उनको ट्रांसक्रिप्ट मुहैया किए जाएं जो उनकी जो तकरीर है। जिन पर कर रहे थे वफाकी दारुल हुकूमत से आपका बहुत, और आयशा गुलालई भी अपनी पार्टी जो है वो अनाउंस कर रही है। आज सबसे अहम खबर दारुल हुकूमत से यही आने वाली है, यही आई है और इंटरेस्टिंग खबर भी है, क्योंकि इसके ऊपर नून लीग के जितने भी रहनुमा है उनके बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मौके हैं और पीटीआई के भी साथ साथ। तो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मतलब स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब अब जान लेते हैं कि आज एडिटोरियल में क्या कुछ है, उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आज आप सुबह सुबह बड़ा हंस रहे थे और बड़े तबसरे कर रहे थे आप सियासत पे, शादियों पे, नाहलियों पे, खैरियत थी? बस वो सियासत और शादियाँ साथ साथ चल रही हैं, तो वो थोड़ी सी वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहीं कोई शिकवे कर रहा है, कहीं कोई शादियां कर रहा है। भाई देखिए, कंपटीशन का जमाना है, मुकाबले का जमाना है। नवाज शरीफ ने एक जगह जब 3 मरतबा वज़ीर वज़ारत उसमें संभाल लिए तो उनकी हैट्रिक का जवाब भी तो देना है। जाने को। Exactly, हैट्रिक का जवाब भी तो देना है। लेकिन बरकत नहीं हो गई नफीस भाई, बरकत नहीं हो गई नफीस साहब? हाँ देखें, ये तो एक बड़ी बात है। हाँ। पॉइंट है कि बुशरा बीबी की इमरान खान की जिंदगी में आमद जो है वो एक बड़ा ही एक खुशगवार बड़ा फायदा हुआ है उनको, एक ये बहुत बड़ा कि साबिक वज़ीर आज़म जो है वो पहले अपनी वज़ारत उज़्मा तो उन्होंने खोई खोई थी और अब उन्होंने पार्टी सदारत भी खो दी है, और अब हम उसको देख रहे हैं इस वक्त पूरा पाकिस्तान न सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, इदारिये इदारती नोट तमाम कॉलम्स इस बार पे हैं, गैर मामूली अदालती फैसला एक्सप्रेस है, डॉन ने कहा है रिग्रेटेबल वर्डिक्ट, और उन्होंने कहा है कि अवाम अदलिया से ही कहा है कि ठीक है नवाज शरीफ ने जी कुछ जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ज़रूर किया है, लेकिन अदलिया को भी अब अपने बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। इंटरप्रेट द लॉ नॉट इन्वेंटेड, ये डॉन का एडिटोरियल कह रहा है। तो ये इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अभी पंजाब हाउस में भी कहा, फिर नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी जो है इस वक्त हर मीडिया हर डिस्कशन है प्लेटफॉर्म पर जो है वो डिस्कस की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो है मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, चाहो तो ये भी खत्म कर दो, अगर कोई शिक नहीं मिलती कानून में तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी ढूंढ लो, इस हवाले से आ रही हैं। फिर हमने देखा इसी दौरान अभी एक आज इनका सेशन भी हो रहा है, इनकी मीटिंग भी हो रही है,
और उम्मीद है कि पार्टी सरबराह के लिए नवाज शरीफ, जो आपने शहबाज शरीफ और कुलसुम नवाज में से किसी एक नाम को सेलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल ये बहरान तो बैठ जाएगा, लेकिन बहरहाल नून लीग इस वक्त बहुत शदीद तरीन बहरान में है सेनेट के इलेक्शन की। जी नून लीग जहाँ पर शदीद तरीन बहरान में है, वहीं ये सवाल भी उठता है कि जितना ज्यादा इनके ऊपर बहरान है, दूसरी दफा नाअहली है, वहीं हम देख रहे हैं कि अवाम का समंदर जो है इनके साथ आ रहा है और इनके जलसे, इनके जुलूस, इनके खिताबात और उसके साथ जो इनके रद्देअमल आता है लोगों की जानिब से, वो बड़ा डिफरेंट है। तो अगर इन दैट केस 2018 में एज नवाज शरीफ साइड के हम दोबारा आएंगे और ये जीत जाते हैं, चाहे क़यादत कोई भी करें नून लीग की, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो अब तक बातें बना रहे हैं, वो सारे केसेस जो चल रहे हैं? देखिए, अगर आप मॉरलिटी वाइज बात करेंगे तो लाजमी बात है इट वुड डेटर देयर मॉरलिटी, और उनके जो इस तरह की अब तक जितनी भी उन्होंने कैंपेन की है उसको एक बहुत शदीद धचका लगेगा। कि और ये सामने बातें आ रही हैं, कुछ जो हालात सामने आ रहे हैं, जो मोमेंटम बन रहा है, जो अवाम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जितनी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि ज़मीनी इंतखाबात में सभा रिजल्ट आ रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों को अपने वोट की क़ुव्वत का एहसास हो रहा है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि नून लीग, चाहे आप उसको कितना भी साइडलाइन करने की अगर कोशिश की जाए, बगौर उनके उन्हें कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उस मकसद वो जो है वो बाकायदा बाहर मजीद उभर कर सामने आ रही है और उसका वोट बैंक जो है वो मुतासिर नहीं हो रहा है। तो हो सकता है सिंपैथी वोट नवाज शरीफ ज्यादा ही गेन कर पाए। ये भी बात कर रहे हैं कि अभी कुछ माह पहले तक जब ये पैनामा का वर्डिक्ट आया था तो कह रहे थे कि 50 या 60 MNAs MPAs हैं जो पार्टी से निकल के दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो फैसला आ गया है कल, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो जो जाने वाले थे, जो वोट बैंक इंटैक्ट था, फिर भी कल के फैसले के बाद वो अब के MNAs और MPAs कहीं जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, या शहबाज शरीफ के अंदर वो काम करने के लिए रेडी? मसला ये है कि जब हमने देखा था ना, जब वजारत उज़्मा से फारिग हुए थे नवाज शरीफ, उस वक्त ये बहुत ज्यादा ये बात गर्म थी ना कि नून लीग जो है वो मुंतशिर हो गई, अब ये जमात नहीं, उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, एनालिस्ट भी जो ये बातें कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा से हटने के बाद भी जो कमान संभाली, और जिस वक्त वो सदर नहीं भी थे उस वक्त भी जो है उनके अहद पैमा हो रहे थे, और आप जो देख रहे हैं जो खासकर जनरल पब्लिक, जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं नून लीग के, वो नवाज शरीफ के, मैं नहीं समझता कि इतने करीब आए हों जो तारीख में नून लीग की। नवाज शरीफ पहले कोई फैसले से ज्यादा उन्हें फायदा हो गया। जी हाँ, नवाज शरीफ पहले एक सियासतदान थे, आज नवाज वो लीडर बन, लीडर बन गए। अच्छा, अब लीडर बन गए। यहाँ पर जहाँ पर हम बात करें ज़मीनी इंतखाबात की, वहीं अगर बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की, उसके बाद कितना असर पड़ेगा? ये रिपोर्ट भी एक नून लीग के लिए, नून लीग को आगे मौकिफ को तायद कर गई है, और खुद शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि ये एक बड़े एजाज की बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 6 सालों के अंदर पाकिस्तान ने जो है शफाफियत और ये जो करप्शन का, देखें ये बहुत बड़ा एक दाग था करप्शन का, और यही स्लोगन्स लेके तमाम पोजीशन निकली थी नून लीग के लिए कि करप्शन। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि पाकिस्तान जो है ना उसमें 5 दर्जे मजीद तरक्की की है, 32 पॉइंट स्कोर कर चुका है। 2012 में 27 था, अब ये 32 पर आ गया, 117 पोजीशन पे है। भारत भले 81 पोजीशन पे है, लेकिन पाकिस्तान 117 पोजीशन पर है, इसका मतलब है करप्शन पाकिस्तान में कम हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज थोड़ी सी ये है कि जो ये केसेस अभी निकले हैं सामने पैनामा के हवाले से, ये तो केसेस पुराने केसेस हैं और के करप्शन पुरानी है, एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है वो तो अभी आदादोशुमार के मुताबिक। बिल्कुल अवेश, ये बात ठीक है, क्योंकि ये तो पैनामा केसेस के पुराने केसेस हैं, लेकिन है तो इसी गवर्नमेंट के ना जो अभी, और खुश अब शहबाज शरीफ की भी बात सुने, वो कहते हैं कि हमने करप्शन मेगा प्रोजेक्ट्स पे इतने पैसे बचाए, और ये बात है भी हकीकत। तो अब अगर ये जो प्रोडक्ट, ये इनकी मॉरलिटी को बूस्ट करेगी, वो जो दाग है ना करप्शन का, करप्ट करें, पनामा का केस का अभी वर्डिक्ट आना है कि आया उसके अंदर करप्शन अभी साबित नहीं हुई है, हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये चीज तो अब क्लियर हो रही है कि पाकिस्तान जो है करप्शन इंडेक्स में जो है वो उसकी स्कोर जो है बेहतर हो रहा है। रेहाम बुक, जी हाँ, रेहाम खान ने एक बार देखें, जिस तरह एक बात तो क्लियर है कि सबा इमरान खान ने जित अदालतों के चक्कर लगा के नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में भले फतह हासिल की हो, लेकिन उनके ये जो डांस अटेंडेंसी ना जो अदालतों में, उसने खुद उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान अभी हम देख रहे हैं परवेज खटक की जानिब से जवाब, वो आवाज़ें उठ रही हैं, खुद वो कहते हैं कि इमरान खान पार्टी को जमा करते हैं जलसे करके, और जो रहनुमा है वो उन्हें मुंतशिर कर देते हैं, वो उन्हें यकजा नहीं कर पाते। तो इमरान अभी हमने ज़मीनी इंतखाबात में भी देखा, तो उन्होंने ये
बात मानी है कि हलकों में जाना जो है रहनुमाओं ने वो बंद कर दिया था, उन ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अवाम में रबते जो हैं हम देख रहे थे, हम डिस्कस भी करें साहब, आपका पॉइंट बहुत अच्छा था उस वक्त, आपने कहा कि क्यों होता है कि जलसों में तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन जब वो इंतखाबात होते हैं तो वोट बैंक तक महदूद क्यों है, क्यों है? इसकी वजह यही है कि आपने अप्रोच नहीं किया, आप जनन जो लेवल है लोगों के अवाम के मुहिम बात तो करते हैं मोबिलाइज नहीं कर पाए आप, ज्यादातर आपने अपना टाइम जो है वो अदालतों में और इन चक्करों में किया, उसमें आपको नुकसान भी हुआ है। चले जी, बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जहां पर खान साहब अपोजिशन बड़ी बोल्ड अपोजिशन कर रहे हैं, वहीं उनका वोट बैंक जो है वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इतना ही। गुड मॉर्निंग, आज से एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। Welcome back to Good Morning Art. तो अब आपको बताएंगे कि कराची में खुल गया है एक ऐसा स्कूल जो कर रहा है मोमर खवातीन को इल्म बांटने का उसूल। ये स्कूल कहाँ वाके है और यहाँ मोमर खवातीन को किस तरह तालीम दी जा रही है, ये सारा अहवाल हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा कवल फातिमा, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर किया है। अच्छा, बिल्कुल, कराची में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से जमातों में तकसीम करके जो है वो तालीम का सफ़र तय किया जाता है, लेकिन कराची में स्ट्रीट टू स्कूल जो इदारा है उसके रज़ाकार कुछ ऐसा उन्होंने काम स्टार्ट किया है, जो ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अपनी कम उम्र में तालीम हासिल नहीं कर सकें या स्कूल नहीं जा सकें, उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करने का बीड़ा उठाया है। हसन से बात करेंगे, यहाँ पर अभी भी वो क्लास ले रहे हैं, ख़वातीन पढ़ रही हैं। तो हसन, क्या समझते हैं कि खवातीन के लिए इस तरह का काम का आगाज करने के लिए क्यों सोचा, मतलब क्या वजह थी कि खवातीन ही क्यों? कहते हैं ना कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो माशरा पढ़ा लिखा होगा, तो हम चाहते थे कि हमारे ये जो गरीबात के इलाके में जितनी भी खवातीन हैं वो अब इतना पढ़ लिख लेंगे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें और अपने घर को भी संभाल सकें, अपने मर्द के शाना बशाना चल सकें, ताकि एक कम्युनिटी पूरी आगे बढ़ सके और फिर जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो मुल्क बढ़ेगा, मुल्क बढ़ेगा तो हमारा नाम दुनिया में रोशन होगा। बिल्कुल, ये हसन थे और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि इनका ये कहना है जो ख़वातीन यहाँ आने वाली हैं वो ख़ुद से जो है वो जस्तुजू दिखाती हैं, अपनी जानब से इल्म हासिल करने का खासा शौक़ रखती हैं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि वो लिख रही हैं किताब पे, कॉपी पे, और जो है वो बहुत कुछ सीख रही हैं। आप बताएँ कि कैसा लग रहा है आपको स्कूल में, कभी सोचा था कि इस उम्र में स्कूल जा सकेंगी? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। हमने कहा था कि ना बड़ों के लिए भी कुछ खोले ना स्कूल, तो हम भी पढ़ने के लिए आएँगे। छोटी थी तो तालीम नहीं हासिल कर सकें, लेकिन इस उम्र में स्कूल की दहलीज तक आना, लोग भी बड़ी बातें बनाते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, क्या कहेंगे कि इस उम्र में तालीम हासिल कर रही हैं? कहते कहाँ जा रही हूँ, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, आप भी चलें, इतनी उम्र में जाएंगी? मैंने क्या क्या हुआ, यहाँ पे मौजूद ख़वातीन का हम देख रहे हैं कि जज्बा जो है वो खासा भरपूर दिखाई दे रहा है और ख़वातीन का यही कहना है कि वो किसी भी उम्र में पहुँच जाएँ, जो तालीम है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। जी तो जनाब, आपने ज़बरदस्ती कमल फातिमा की रिपोर्ट देखी है और इतनी ज़बरदस्त ये बात है कि हमने सुना था कि बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, ऐसे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उनके पेरेंट्स को भी साथ साथ यहाँ पर मुफ्त तालीम दी जाती है और दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रीट टू स्कूल। बिल्कुल सभा, और इसी पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो स्कूल को चला रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास तशरीफ रख रहे हैं हसन, प्रेजिडेंट हैं, और मेहमानों का अपने तारुफ करा दूं कि टीम मेंबर उनके साथ गौसिया हैं मौजूद, और साथ उनके बैठी हैं ताहिरा जो कि स्टूडेंट हैं। ये स्कूल टू स्ट्रीट टू स्कूल ये जो चला रहे हैं ये वो लोग हैं। अभी यहाँ पर फौरी तौर पर हमें एक न्यूज़ ब्रेक के लिए जाना है और उसके बाद वापस आएंगे। ये हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बच्चों को सड़कों से उठा के स्कूल में लेके जाते हैं, उनको मुफ्त तालीम भी देते हैं, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि उनके पेरेंट्स को भी आप मुफ्त तालीम देते हैं और उनकी क्लासेस टाइमिंग्स भी अलग होते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। यस, आइडिया कैसे आया? बेसिकली यही था कि इनकी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर भी था पेरेंट्स की तरफ से कि नहीं हमें पढ़ना है, और फिर दूसरा यही था कि बच्चों का होमवर्क चेक होके नहीं आता था, तो फिर देन पे हमने इंक्वायरी किया कि आइदर क्या प्रॉब्लम है इसका, तो पता चला कि पेरेंट्स पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो देन पे हमने कहा नहीं क्यों ना हम इनको पढ़ाएं लिखाएं कि एटलीस्ट के वो बच्चों पे तवज्जो दे सके। हम तो अपना एक पार्ट कर रहे हैं लेकिन घर से भी तवज्जो जब आएगी तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा और इन्हीं का फ़ायदा। तो देन पे हमने क्लास स्टार्ट करी और अभी क्लासेस चल रही हैं और हमने इनका एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया हुआ है, वही टाइम जिस टाइम पे वो घर में फारिग होते हैं ताकि इनको कोई काम नहीं होता, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस इनके शेड्यूल में ना आए। सही, तो उसको डिसाइड किया। अच्छा, आप टीम मेंबर हैं और आप सारी चीज़ें मैनेज करती हैं और देख रही होती हैं,
तो ये बताएं गौसिया कि कैसा आपको फील होता है कि बच्चे भी आ रहे हैं और ख्वातीन भी आ रही हैं और पढ़ रही हैं, एक बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट, मतलब एक खातून जिन्होंने सारी ज़िंदगी किचन घर और ये तमाम चीज़ें संभाली और पढ़ाई से वो कहीं दूर थी, एकदम से उनकी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आता है कि इस स्टेज के ऊपर आके कोई उनको कहते जी आपने पढ़ना है, फिर वो आके पढ़ती हैं, किस तरह का फीडबैक है, ये किस तरह से रिएक्ट करती हैं वहाँ? बहुत ज़्यादा, मतलब एक आ रहा है वहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं ये लोग ये चीज़ शुरू करने पे। और आप यकीन करें दो ख़वातीन से अब माशाल्लाह हमारे पास 8 ख़वातीन मौजूद हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक। और पहले से स्टार्ट लिया था हमने 2 ख़वातीन से स्टार्ट लिया था। अच्छा। जो 2 की मतलब वहाँ से आया था कि हमें आके रिक्वेस्ट कर रही थी कि जैसा कि आप पढ़ाएं हमें ताकि हम अपने बच्चों पे तवज्जो दे सकें। अच्छा, तो आपने कैसे सोचा कि ख्वातीन पढ़ने आ रही हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए टीम मेंबर के हैसियत से? मैं हसन के साथ जो है वो पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। जैसे ना, और ये कि उनके इदारे में जैसे मैं प्रॉपर तौर पर काम कर रही हूँ और सुपरवाइज कर रही हूँ पूरे इदारे को। हाँ। जो वो बच्चों का इदारा चला रहे हैं। सही। ठीक है, तो उससे तो मैं लिंक हुई ही उनके साथ। सही, सही। तो ये कि यहाँ पर भी जो है वो उनके साथ दे रही हूँ मैं, यहाँ पर भी साथ दे रही हैं। सही। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो स्पेशल पर्सनालिटी है ना वो हमारे साथ बैठी हुई है, ताहिरा आंटी हैं। कैसी हैं आप? अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1 में पढ़ती हैं। अच्छा, कैसा फील होता है, आपके बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं और डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर मुख्तलिफ औकात के अंदर आप भी उसी स्कूल के अंदर जाती हैं, तो अभी कितने दिन हुए हैं आपको स्कूल जाते हुए? 1 माह हो गया। 1 माह हो गया स्कूल जाते हुए, तो कैसा लग रहा है जब पढ़ रही हैं, बुक्स खोल रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और दिलचस्पी भी ले रही हैं? दिलचस्पी भी ले रही हैं। सही। अच्छा, कितनी आपकी क्लास फेलोज हैं? 8 हैं। 8 क्लास भी चल रहा है क्योंकि ओवेस की फेवरेट टीम भी आज खेलेगी और मेरी फेवरेट टीम भी खेल रही है, मैं हूँ कराची वर्सेस कोयटा। एग्जैक्टली, कराची वर्सेस कोयटा। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के फॉर्मर कोच ने उमर रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, हम दोनों ने अपनी फेवरेट टीम्स बता दी हैं, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट है इस खास पीएसएल के ऊपर टीम चूज करना, क्योंकि इस बार तमाम टीमों ने अभी टीमें स्ट्रॉन्ग की हैं, क्योंकि पिछले दौर में पिछले 2 पीएसएल में 2 टीमें अच्छी थी वो थोड़ी वीक हुई, मगर मुल्तान सुनार की एंट्री जो कल का बड़ी धमाकेदार हुई उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम में, लाहौर कलंदर ने अपनी टीम मजबूत की है और साथ साथ कराची किंग्स की भी। सर, ये तो डिप्लोमेटिक सा मुझे आंसर लग रहा है, कोई एक टीम तो होगी ना फेवरेट आप? मैं चाहता हूँ मेरी क्रिकेट जीते, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान का पीएसएल है, मैं चाहता हूँ पीएसएल जीते, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसी तरह करते हैं कि जो लास्ट में टीम जीत रही होती है ना उसको ले लेते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेटर क्रिकेटर मैं चाहता हूँ क्रिकेट की जो है ना जितनी अच्छी चीज हो, क्रिकेट फ्लरिश करे उतना बेहतर होगा, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और हमारी कंट्री के लिए। सही। अच्छा सर, जो टीम लाइनअप है ओवरऑल कल का जो मैच हमने देखा कि बहुत सारे लोग पेशावर जलमी को फेवरेट कह रहे थे कि पेशावर जलमी जो है दोबारा से कमबैक करेगी और पहले ही मैच में बता देगी कि बाकी वो जीत सकती है, लेकिन अपसेट हो गया। इसको अपसेट ना करेंगे, ऑब्वियसली ये पहला मैच है। अच्छा। सारी टीमें आएंगी, अभी उन्होंने 10-10 मैच खेलने हैं बिफोर नेक्स्ट राउंड में जाने से, वो पहला मैच था वो जेल करेगी, क्योंकि इस बार पीएसएल में कमिटमेंट दूसरों की इंटरनेशनल जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी इतनी कमिटमेंट थी, लोग लेट आए। अब मैं कल सुन रहा था सरफराज का भी, वो भी ये कहते हैं कि हमारी टीमों में अभी तक लोग फॉरनर्स प्लेयर्स अभी आ नहीं रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही टूर्नामेंट चलेगा ये टीमें दोबारा से अपने आप को दोबारा से टीम फॉर्मेशन बनाएंगे। ऑब्वियसली लास्ट 2 साल से खेल रहे हैं, काफ़ी लड़के वही हैं जो प्रीवियस पिशावर जलमी से खेल रहे हैं, लेकिन ये देखें पहला है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की मैं कहूँगा पहले साल ही आने के बाद बहुत अच्छी चॉइस ऑफ प्लेयर्स, उनकी थिंक टैंक ने बहुत अच्छी पहले मैच के लिहाज से टीम को चुना और पिच के बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, पिच के हिसाब से उन्होंने 5 मेन बॉलर खिलाए और 6 बैट्समैन। अच्छा, पेशावर जर्मी के आप लाइनअप के हवाले से बात कर रहे थे, जो पहले इनका लाइनअप था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसके अंदर एक बूस्ट भी था और स्पार्क भी नज़र आता था, अभी भी उनका लाइनअप लोग यही कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, फेवरेट है, लेकिन कहाँ आपको क्या लगता है कि कहाँ इनकी कमी रहेगी? मैं समझता हूँ कल जो नॉर्मली यूजली जो प्रीवियस पीएसएल की पिचेस थी ना, अगर आप उससे कंपेयर करें कल की पिच पे, तो टोटली डिफरेंट थी। पिछले 2 पीएसएल में ज़्यादा स्पिनर्स को ज़्यादातर जो है ना वो फ़ायदा दे रही थी ये वाली पिच, मगर कल की पिच जो देखी फुल कवर ऑफ ग्रास थी, बाउंस था पिच में, कैरी था, तो उन्होंने मेरे हाल में वही प्रीवियस 2 पीएसएल को एक्सपीरियंस करते हुए 2 स्पिनर्स को इंडक्ट किया पिशावर दल में, नहीं जहाँ के मुल्तान सुल्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स लाए उनमें भी उनके पास वेरिएशन थी, 2 स्विंगर्स थे स्विंग करते थे बॉल को कंट्रोल करते और 2 बाउंसी बॉलर थे, दोनों टॉल बॉलर थे, इरफान और वो जो बेलन जो बॉलर है उन्होंने बॉल को बाउंस किया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था का। बॉलिंग की आप बात करें कि बॉलिंग शायद कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था पेशावर जलमी का, तो हसन अली भी चूंकि अभी वो इंजर्ड है और गोमा गो की कैफियत है कि वो पता नहीं कितने मैचेस बाद आएंगे टीम के अंदर वापस,
तो उनकी गैर मौजूदगी से फर्क पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली इस वक्त नंबर वन बॉलर हैं ओडीआई का क्रिकेट द वर्ल्ड में, और बहुत उन्होंने पीएसएल में जब लास्ट सीजन में जबरदस्त बॉलिंग कराई, और वो उनके मेन बॉलर स्ट्राइक बॉलर हैं और वही मौके पे आके विकेट देते थे, वही मौके पे आके रन चेक करते थे। इस बार उनकी कमी तो महसूस हुई, यही उनका वीक लिंक लगा, उनकी जो पूरी जो टीम थी ना वो उसमें शाहिद अफरीदी भी तो नहीं थे ना, शाहिद अफरीदी भी एक बड़ा फैक्टर है ऑब्वियसली, वो अब वो मैच विनर है, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत मैच जिताया। अच्छा, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का आज मैच होने जा रहा है, और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का भी मैच हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के मैच की, उसके बाद फिर हम कराची की बात करेंगे। क्या लग रहा है सर आज के मैच में कौन सी टीम फेवरेट है? मैं समझता हूँ अगर इस किस्म की पिच हुई तो मुल्तान सुल्तान, क्योंकि एक मैच खेल चुकी है तो उनको थोड़ा सा 60-40 एज हासिल होगा। लाहौर कलंदर गुड टीम है, लाहौर कलंदर गुड टीम है, सेम ग्राउंड, हाँ सेम ग्राउंड है, सेम पिच होगी और खेल जीते हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। लाहौर कलंदर वाले पहला मैच खेलेंगे, थोड़ा प्रेशर होगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि मैच बहुत अच्छा खेला लाहौर कलंदर्स का। ये रहा है कि वो पिछले मैचेस के अंदर जो है वो शोर तो बहुत मचाती रही ऑफ ग्राउंड, लेकिन ऑन ग्राउंड इतना शोर नहीं मच सका, लेकिन इस दफा ये लग रहा है कि वो ऑफ ग्राउंड इतना शोर नहीं कर रहे, तो हो सकता है ऑन ग्राउंड बड़ा शोर हो। आप हमेशा अपनी गलतियां सीखते हैं, और मैं समझता हूं ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी, क्योंकि सारे लोग बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी, उन्होंने कहा इस बार हम ग्राउंड में शो करेंगे। स्ट्रेटजी आप सही कह रहे हैं बनाई होगी और पुरानी गलतियों से सीखा भी होगा। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ अगर बात करें कि आज उनका मैच है लाहौर कलंदर से, कल बैटिंग लाइन उनकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हमें नहीं दिखाई दी, बैटिंग लाइन में आप क्या सजेस्ट करेंगे, आज कोई चेंजेस होनी चाहिए या कोई सफल कर रही थी बैटिंग लाइन? उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉप फाइव बैट्समैन जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्हसार किया, वो चाहते कि ये पांच बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और यही 20 ओवर खेल के आए, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी उनकी सोच थी, और मैं हाल में पाकिस्तानी टीम वाली सोच थी उनकी, जो हमारे पीसीबी की सोच होती है कि पांच प्लेयर्स के ऊपर इंतजार होता है बाकी अल्लाह मालिक। यूजुअली शॉर्ट वर्जन ऑफ गेम है ना, 20 ओवर में आपको इतने ज्यादा बैट्समैनों की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि अगर यूजुअली अगर आप एवरेज निकालें तो एक बैट्समैन के हिस्से में 25-30 बॉल ही आती है ज्यादा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये बैट्समैन एक्सपीरियंस है। संगकारा कर उन्होंने जिस तरह इनिंग बताया, तो वो उन्होंने बकायदा कैरी किया, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने आखिर वक्त मैच जिताया। फिर शुएब मलिक एक और ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे प्रोफेशनल है, उन्होंने वही चीज़ की, तो जो चीज़ वो चाह रहे थे वो कल उनको वो मिली, लेकिन सर कभी ऐसा भी होगा कि आपकी जब गिरेंगी तब उन्हें पता लगेगा उनकी बैटिंग में कितने फ्लॉज। शुएब मलिक की जो कल क्रेडिबिलिटी है वो डेफिनेटली शो हुई है, और आपको लगता है कि आगे वो अब इसी तरीके से जान मारेंगे और अच्छा काम? बिल्कुल, वो मेच्योर प्लेयर हैं, वो उनके पास एक अच्छा हेड है अपने शोल्डर के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि वो इसी तरह से, और वो हर लीग खेलते जा रहे हैं, वो हर लीग खेलते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है ये वाली सिचुएशन उनके सामने बहुत बार आई है, कप्तान रहे हैं, हाँ बहुत बार आई है, तो उन्होंने ये सारी चीजें पहले देखी हुई, तो उन्होंने कल बड़ा अच्छा खेल पेश किया। अच्छा, आज का मैच जो मुल्तान सुल्तान्स का होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि कल शुएब मलिक ने इंटरव्यू में बात ये कही मैच के बाद, क्योंकि हम चेस कर रहे थे तो हमें एक आइडिया था, हमने मोमेंटम उस हिसाब से बनाया, हमने स्ट्रेटजी उस हिसाब से डिजाइन कर ली, तो आज आप क्या समझते हैं टॉस का बहुत कोई अहम किरदार होने वाला दोबारा? टॉस का यूजुअली इसलिए वायरल है कि लेटेस्ट स्टेज में थोड़ा ड्यू फैक्टर भी आता है, एंड में देखिए हमने बॉल भी चेंज की, जब बॉल में जब वेट हो जाती है तो बॉलर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है फिर कंट्रोल करना, खासतौर स्पिनर्स के लिए कि वो तो इनके पास दो स्पिनर्स है, तो जैसे पिशाब जलमी के साथ तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, क्योंकि असगर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, मगर यंग लड़का लेग स्पिनर था इब्तिसाम, बड़ा टैलेंटेड, मुझे बड़ा मजा आया उसको देख के स्क्रीन पे कि उसने, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। असल में इशू ये होता है सर कि जब टॉस की बात आती है स्पेशली पीएसएल में, तो थोड़ा सा उसका किरदार इतना ज्यादा अहम इसलिए भी नहीं होता कि उस टीम के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं जो कि चेजिंग में भी जो है मास्टर होते हैं, और उनको पता होता है कि अगर हमने ओपन करना है तो वो किस तरीके से करना है, तो प्रेशर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इंटरनेशनल नहीं प्रोफेशनल सारे, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, हमारे डोमेस्टिक भी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और ये पेड इसलिए होते हैं कि हर किस्म की सिचुएशन को अपने आप को कंट्रोल करें। बिल्कुल, तो हमारा तो क्योंकि बैटिंग लाइनअप हमेशा शेक करता है ना, तो उनके साथ जो दीगर प्लेयर इंटैक्ट होते हैं तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और उनका बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जब एक टारगेट होता है आपके 150 रन जैसे शुएब ने बात की, तो उनको मालूम था कि हमें कितने अंदाजे करना है, कैसे करना है, तो कंट्रोल इनिंग थी, लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो फिर आपको अंदाजा नहीं होता कि हमने कितने रन इस पिच पे इस कंडीशन में मुझे चाहिए होंगे, तो आप फिर ऑल आउट जाते हो, तो जब आप रन चेस कर रहे हो तो आपको पता होता है आपके लिमिटेड 5-6 बैट्समैन थे आपके, तो आपने उस हिसाब से खेला कि हम विकेट इन हैंड रखेंगे, आखिर वक्त हमें जैसा कि वो पिच भी रीड कर चुके थे आपने जैसे कहा, लेकिन सर ये बताइएगा कि आपने कहा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, सीनियर प्लेयर भी हैं, कल
सीनियर प्लेयर चल गए मुल्तान सुल्तान्स के, लेकिन जो दूसरे प्लेयर थे वो नहीं चल पाए, तो ये मुल्तान सुल्तान के लिए कितनी खतरे की बात है? मेरे ख्याल में अगर देखें दूसरे प्लेयर से मुराद ना भाई, उनके जितने ही टॉप फाइव हैं वो सारे सीनियर ही प्लेयर हैं। एक ही बच्चा था, वो क्या नाम है उसका, जो नंबर छः बैटिंग करने आया है, एमर्जिंग का प्लेयर था, उसकी बैटिंग में भी नहीं आई। वो पाँच प्लेयर से, पाँच बैट्समैन से, उन्होंने ऑलमोस्ट एक अपना अहमद शहजाद आउट हुए बस, उसके बाद अहमद शहजाद ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। अहमद शहजाद से जितनी उम्मीदें थी सब उन्होंने जो है ना वो पहला मैच है, इसीलिए पहला मैच है। क्या करते दूसरी तरफ कामरान अकमल ने भी तो नहीं खेला, वो तो पिछले टूर्नामेंट के सबसे हमारे हमारे फेवरेट प्लेयर्स ने कोई खास कारकर्दगी नहीं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, बड़ी हार्ड हिटिंग की, लेकिन कल सिफर पे आउट हो गए। चलें जी, हो सकता है उनके सिफर के साथ अब कोई एक और 10 भी लग जाए 100 हो जाए वो, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सर, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर्स, मैं समझता हूँ कराची किंग स्ट्रॉन्ग टीम है। कोयटा ग्लेडिएटर डार्क हॉर्स होती है हमेशा, क्योंकि वो है फाइटर, क्योंकि जैसे सरफराज खेलते रहे वो हमेशा जीत के लिए खेलते हैं, हर शख्स जीत के लिए खेलता है, लेकिन वो बहुत विजिबल नज़र आते हैं तो टीम को उठाते भी हैं, तो एक वो फैक्टर होता है उनका। फिर बाद में उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उनमें रिचर्ड्स का जो है, विवेन रिचर्ड्स का जो किरदार है, वो इनहान बड़े ठंडे दिमाग के होते हैं, लेकिन वो एक टीम बनी हुई है पिछले दो साल से, वो दो फाइनल खेल रही है, तो आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली ये नया टूर्नामेंट है, नई टीम है, हर टीम में तैयारी की होगी, हर टीम ने उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को जांचा होगा और इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई। तो आज के मैच में पेशावर ज़ुल्मी और मुल्तान सुल्तान में से कौन फेवरेट है? आज के मैच में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, लाहौर कलंदर एग्जैक्टली, हाँ उसमें फेवरेट में कहूँगा 50-50 है, लेकिन यहाँ पे कराची को मैं फेवरेट, यहाँ पे कराची फेवरेट, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आज के मैच में कराची फेवरेट है। तो आप सभा यानी आज मैच जीतने वाली मैं मैच जीटने वाली हूँ, मैं जो बात करता हूँ उल्टी होती है, टीम हार सकती है। चले जी, सर कह रहे हैं जो बात करते हैं वो उल्टी होती है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए और पीएसएल के हवाले से आज बहुत सारी हमने डिस्कशन की है। तो फेवरेट है कराची किंग्स, लेट्स सी कि कौन सी टीम जो है वो आज जीतती है। गुड मॉर्निंग, आज में मजीद भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती इमरान साहब मौजूद हैं और उनसे आज हम जिस मसले के ऊपर डिस्कशन करेंगे सर, वो है हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप और एक दूसरे पे इन लोगों के राइट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सबसे बेसिक जो हमारे एक घर का सिस्टम है वो डेवलप होता है वाइफ हस्बैंड के रिलेशन से। उनका रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा, एक दूसरे को राइट्स जो दिए हैं वो पे कर रहे होंगे, तो अब जो जनरेशन उनसे चलेगी आगे, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करेगी। सही। और इस्लाम ने इस बारे में इतना प्यारा हमें वो दिया है, सबक भी दिया है, तालीम भी दी है, और न सिर्फ के सबक तालीम बल्कि प्रैक्टिकल दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले आपके ज़ौजा मुहतरमत ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर आपकी दीगर ज़ौजा मुतहरात हज़रत बीबी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इन सब के साथ जो आपने ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी ना, उसमें लम्हे लम्हे आपने सिखाया कि किस तरह एक सॉफ्ट हार्ट होके और एक शौहर को एक लविंग और केयरिंग होके अपनी वाइफ के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है कि वो किसी भी दुनिया के अगर हिस्से में ज़िंदगी गुजार रहा है, चाहे वो मज़हबी उससे कोई रिलेशन रखता हो या अपनी तजारत बिजनेस करता हो, लेकिन उसका अपनी वाइफ से किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, घर से जाते हो किस मूड में जाए, घर में आया तो किस मूड में आए, ये सारी चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से सिखाई। हमारे यहाँ बेसिकली होता ये है कि हम लोग आधा अपना जहन चला रहे होते हैं, अपने आधा अपने ख़ानदान के कल्चर चला रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, और कहीं बचा खुचा जो रह जाता है इस्लाम, तो जहाँ हमें कोई प्रेशर करना होता है अगर बीवी को, तो फिर हमें इस्लाम याद आ जाता है कि इस्लाम ने हमें ये कहा है, उसकी वजह से अपने राइट्स उसको यानी ज़बरदस्ती बाई फोर्स बनवाने के लिए, जब धौंस धमकी की बात आती है कि जी शौहर को अल्लाह ने इतना हक दिया कि वो खुदा के बाद जो है ना अगर सजदे का हुक्म होता तो बीवी को होता कि सजदा कर ले शौहर को, या इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे क्या होता है कि वो इस्लाम को बदनाम भी किया जाता है और आपस के रिलेशन को ख़राब किया जाता है इस्लाम के नाम पर, जबकि इस्लाम ने दोनों को पैरेलल राइट्स ऐसे दिए हैं कि सिर्फ ये नहीं कि मर्द को ही पूरे अख्तियार दिए हैं, अगर मर्द कोई जुल्म ज़्यादती करेगा, वाइफ के हक़ में कोई कमी करेगा, तो आखिरत में उसके बारे में पूरी बासपुरस होगी। तो मुफ्ती साहब, इख्तियार की बात हो रही है तो ये ज़रूर इस पर रोशनी डालिएगा, क्योंकि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं यहाँ पे ये चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं कि मर्द बहुत ज़्यादा इम्पोज करता है, मेल डोमिनेटिंग, तो ख़वातीन के ऊपर अपने हस्बैंड के लिए कितनी जिम्मेदारी है कि वो उसकी बातों को माने, उसकी क्या हदूद हैं इस्लामी तालीमात के मुताबिक? हाँ देखिए, ये रिलेशन ऐसा है इसमें कोई लिमिट्स नहीं रखी गई कि ये हदूद है ये, बल्कि ऐसे कॉमनली हमें कुछ हिंट दे दिए गए हैं कि जिससे एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़े और ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हम एक दूसरे को समझ के ये हो कि हम एक दूसरे के लिए जितने इंतहा तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएँ।
ठीक है, लिमिट बता दिए गए, राइट बता दिए गए। सबसे बेसिक राइट तो ये है कि जब किसी शॉर्ट ने कहा कि मुझे कबूल है, वर्ड कितना छोटा सा, मुझे कबूल है, दो मिनट साइन कर दिए, इधर लड़की ने साइन की कि जी ठीक है मैं इजाज़त देती हूँ, और लड़के ने कबूल कर लिया। लेकिन उस कबूल के पीछे क्या है, उसका नान नफका यानी पूरी जितनी भी उसकी वो है जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो फौरन उस औरत के या लड़की के पेरेंट्स से उठ के वो अब शौहर के कंधे पर आ गए। अब आप उसको लिबास पोशाक खिलाना पिलाना रहना सहना उसका ट्रीटमेंट जो कुछ भी है, मरते दम तक आपने एक दूसरे से वादा कर लिया कि जब आप उसको निभाएंगे, सही जैसा आप खा रहे हैं अपनी वाइफ को खिलाएंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको पहनाएंगे उड़ाएंगे, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर कोई हम लिमिट बयान नहीं कर सकते कि इतनी लिमिट है कि आपको साल के अंदर वाइफ को इतने जोड़े देने। और जो लोग उसूलों पर चलते हैं वो तबाह कर लेते हैं अपने घर को, कह नहीं जी इतने जोड़े देने, ये सर्दी के इतने कपड़े देने, गर्मी के इतने देने, ये रिलेशन ऐसे नहीं बनते। उसमें तक आप अपनी हैसियत से बढ़ के बल के कोशिश करें तो उसका एक नतीजा ये होता है कि देखें इंसान को अल्लाह पाक ने उसकी नीयत के मुताबिक भी बड़ा कुछ दिया है। और ख़ासतौर पर हमारे कॉन्सेप्ट ये भी, और ये वाकई रियलिटी भी है, बड़ों से हमने सुना भी और देखा भी कि वाइफ के आने से इंसान को अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में हस्बैंड को जो ना बरकत देते हैं, उसकी अर्निंग में बरकत होती है, उसके घर के अंदर रोज़गार में बरकत होती है। जब वो अकेला होता है तो उसके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, शादी करता है तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में और इजाफा करते हैं। अगर वो वाकई उसको ओन करे कि हाँ भाई ये अल्लाह ने मेरी रिस्पांसिबिलिटी रखी है, तो अल्लाह रिस्क में इजाफा करते हैं। फिर औलाद होती है तो और मजीद रिस्क में इजाफा होता है। तो जो लोग वाइफ के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर या अपने बच्चों पर बीवी पर अच्छी तरह खुश दिली से खर्च करते हैं, अल्लाह उनको वहां से देता है जहां से उनको गुमान है। ये भी इबादत है, इबादत है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना, तालीमात को कुर्बान जाइए। हमारे यहाँ क्या होता है, खाना जब पक्के आता है तो हम लोग बजाय कुछ तारीफ करने के पहले उसमें थोड़े से कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, यूजुअली सब नहीं कुछ लोग, अरे नमक तेज कर दिया, तुमने मेरी अम्मी के हाथ के जैसे खाना नहीं बनाया, मेरी वालदा कैसा पकाती थी, दूसरों के मसाले दे देकर उसको डिग्रेड कर रहे हैं। हालांकि होना चाहिए पहले लुकमा रखते ही आदमी खूब तारीफ करे क्या जबरदस्त खाना पकाया। और हुजूर ने ये भी फरमाया कि देखो जिस बीवी ने तुम्हारे लिए खाना पका के तैयार किया, तुम एक लुकमा बना के दो लुकमा बना के मोहब्बत से उसके मुंह में रख दो अपने हाथ से। उसने तुम्हारे लिए पकाया, तुम सिर्फ इतना करो लुकमा बनाओ उसके यानी मुंह में अपने हाथ से रखो, तो उससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। मैं अक्सर वाइफ हस्बैंड को कहता हूँ, मेरे पास बहुत से आते हैं इसके लिए कि वजीफा बता दें, या पूछती हैं खवातीन मौसी की शौहर को ताबे करने का वजीफा बता दें, कुछ शौहर कहते हैं जी बीवी को ताबे करने का वजीफा बता दें, तो मैं कहता हूँ असल वजीफा ये है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाते थे कि भाई जिस प्याले से पानी पी रही हैं, जहाँ से पानी पीती थी आप वहीं से सिप लेते थे, जहाँ से बाइट लेती थी गोश्त की आप वहाँ से बाइट लेते थे। उससे क्या होता है कि आपस में एक दूसरे की मोहब्बतें बढ़ती हैं, और जब मोहब्बत बढ़ेगी तो लाइफ आगे अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल, लाइफ आगे अच्छी गुजरेगी। अच्छा, खवातीन के हवाले से क्या अहकामात हैं, उनके अपने हस्बैंड्स के ऊपर क्या राइट्स? हाँ, खवातीन के लिए क्या अहकामात हैं, देखिए खवातीन के लिए अहकामात ये हैं कि एक मशरिकी खातून या इस्लामी खातून, उसका तो वाकईतन हमारी है कि जब शादी हो जाती है उसका मरना जीना उड़ना बिछोना खाना पीना सब कुछ शौहर के लिए होता है, डिवोटेड हो जाती है वो। और उमूमन हमारी खवातीन इसी तरह करती भी हैं कि वो जो जो भी उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है तो समझिए अपनी सेल्फ लाइफ तो ख़त्म कर देती है वो, फिर उसके लिए उसके खानदान वालों के लिए कर रही होती है। तो असल यही है कि उसके लिए अदर सवाब है कि अपने शौहर के लिए जितना जो कुछ भी करेगी, अगरचे उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है घर का झाड़ू पोछा ये दीगर खिदमत, लेकिन जाहिर है कि हज़रत बीबी सैयद फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़दे मुबारक में आई तो उसके बाद दोनों ने आपस में तय किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं बाहर की जिम्मेदारी निभाऊँगा, अखराजात देखना आमदन वगैरह, और आप घर की जिम्मेदारी संभालना। तो अच्छी बीवी को ये होता है घर की पूरी जिम्मेदारियां संभालती हैं, शौहर की वो अमानत की हिफाजत करती हैं, दोनों बैलेंस कर कर चल रहे होते हैं। अच्छा सर, डिवोर्स का इशू आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए क्या आप कहेंगे? हाँ, डिवोर्स का जो इशू बढ़ रहा है इसमें देखिए मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे जो भी मुझे देख रहे हैं लड़कियों को भी लड़कों को भी, इसके अंदर आजकल जज्बातियत कुछ लड़कियों की तरफ से ज्यादा आ रही है कि वो जाहिर एक ड्रीम लेके जाती है दिमाग के अंदर कि मैं वहाँ जाऊंगी तो मुझे किस तरह का माहौल मिलेगा, वो एक फिल्मी उनका माइंड बना होता है कि जी मुझे इस तरह जो ना वो शहजादों की तरह जो ना शौहर मिला है और वो मुझे असर ले जाएगा, यहाँ खिलाएगा वहाँ पिलाएगा, रोज़ाना हमारी कहीं बाहर जो खाने पीने की चल रही होंगी तफरी, वहाँ जब जाती है मालूम होता है किचन भी देखना, कुकिंग भी देखनी, झाड़ू पोछा भी देखना, पता चलता है कि जिम्मेदारी है। तो छोटी छोटी बातों पर बसा औकात लड़कियाँ भागती हैं खुला की तरफ बहुत ज्यादा तादाद में, तो ऐसा ना करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना उसमें तलाक का रेशू कम ही होगा और लड़के भी छोटी छोटी चीजों के दोनों जानिब से अगर कॉम्प्रोमाइज हो तो रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएगा। मुफ्ती इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात के हवाले से बातचीत कर रहे थे, और कंक्लूजन यही है कि टॉलरेंस रखें, बर्दाश्त रखें एक दूसरे के साथ।